गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपको प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बताया जाएगा और ये प्रोटीन संश्लेषण जो आपका हो रहा है ये डीएनए के माध्यम से हो रहा है। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो शाब्दिक अर्थ ये है कि हमने बताया था कि हम लोगों के शरीर में अनेक प्रकार के प्रोटीन बनते हैं और वो अनेक प्रकार के प्रोटीन जो है वो तमाम तरीके के कार्य करते हैं। तो देखिए होता इसमें ये है कि जो हम लोगों के शरीर में जीन्स होते हैं ये जीन्स प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। अब ये प्रोटीन कैसे बनाएंगे, डीएनए की उपस्थिति में, डीएनए के माध्यम से डीएनए के नियंत्रण में ये प्रोटीन बनेगी। बनाएगा कौन, आरएनए। तो इस तरीके से ये जैव अणुकी का एक सिद्धांत होता है जिसके जिसे सेंट्रल डोग्मा, जैव आणविक सिद्धांत, सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा। और इसमें होता क्या है कि जीन्स ही सर, जीन्स के द्वारा ये प्रक्रिया होती है डीएनए से। तो इस तरह से ये प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, एक होती है अनुलेखन और दूसरी प्रक्रिया होती है अनुवादन। ये जैसे ही दोनों प्रक्रिया हो जाएंगी प्रोटीन का निर्माण हो जाए। अब ये कैसे होगी प्रक्रिया, इसको थोड़ा सा छोटे से रूप में समझ लीजिए। देखिए डीएनए आरएनए एक प्रक्रिया ये हुई, दूसरी प्रक्रिया ये। ये है पूरी डोगमा, इसी को भी कहा जाता है सेंट्रल डोगमा। अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसे रिप्लिकेशन या द्विगुणन, और अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, जिसे कहा जाता है अनुलेखन। और इस जब अनुलेखन से आरएनए बन जाएगा तो इसे कहा, तो भी उस इस आरएनए से बनेगा प्रोटीन, जिसे कहा जाता है ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो इस तरीके से प्रोटीन संश्लेषण में दो स्टेप, पहला स्टेप अनुलेखन,
दूसरा होता है अनुवादन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार से डीएनए से अगर डीएनए बनेगा तो रिप्लिकेशन, डीएनए से अगर आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से अगर प्रोटीन बनती है तो उसे कहा जाता है अनुवादन। तो इस तरीके से ये दोनों प्रोसेस होते हैं। ये तो अलग प्रोसेस है, लेकिन ये दोनों प्रोसेस हैं जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें तमाम एंजाइम जिसमें खासतौर से पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है, क्योंकि तीन आरएनए बनेंगे, पहले ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और आपका मैसेंजर आरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए बनेंगे, और तीनों प्रकार के आरएनए बनने के बाद वो फिर आरएनए बनने के बाद फिर वो अनुवादन होगा जिसके फलस्वरूप प्रोटीन बनेगा। तो ये भी प्रक्रिया जो होती है प्रोटीन संश्लेषण की दो स्टेप में हो गई। तो पहला होगा अनुलेखन और दूसरा हो गया अनुवादन। तो अनुलेखन का जो प्रोसेस है वो रिप्लिकेशन के समान होता है, विघटन के समान होता है, ठीक है। तो इसका हम फिलहाल नोट्स जो है आपको भेज रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इसको नोट कर लीजिएगा फिर इसके कैसे ये प्रक्रिया होती है। तो अनुलेखन और अनुवादन फिर आपको डिटेल में बताते हैं।